कर रहे हैं, ट्रेसिंग करके बना रहे हैं। अभी वीक्यू का ही कर रहे हैं जी जी। तो ये कहीं से देख के आपने उतारा है? नहीं सर, ट्रेसिंग करके, एक एक ट्रेसिंग करके पहले जीआर साहब का चेक कर रहे हैं, उसके बाद वोल्टेज क्या होगा, परफेक्ट दिमाग में बैठ। ओके, तो ये ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का? बहुत अच्छा सर। लाइव देखना, ओवीपी आज आपको सिखाता है 9 बॉल वाली, चलो 12 बॉल वाली क्लास में। और एक ओप्पो का लेटेस्ट बोलता है सर, बोर्नियो से पढ़ाते हैं। मेरे भाई, बोर्नियो से पढ़ाते हैं या ये बताते हैं कि बोर्नियो गलत है? देखो बोर्नियो कितना गलत है। अगर ये बोर्नियो से बनाओगे ना, तो ये वाला फोन का डाटा प्लस डाटा माइनस कहीं नहीं बनेगा। देखो कहीं पे भी डाटा प्लस डाटा माइनस कहां जा रहा है? सीपीयू में दिखा रहे हैं क्या? नादान है क्या? यहां पर देखिए बिट मैप सीपीयू के अंदर भी दिखा रहा है। क्यों ऊपर उन्होंने क्यों नहीं बनाया? तो चलो अगर यहां दिखा रहा है तो डायग्राम में भी दिखाना चाहिए। देखो ध्यान दो, देखिए, और ये कैपेसिटर ढूंढना सीखो। किसी भी सर्किट में इस कैपेसिटर के लिए डायग्राम की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे सबसे पहले इधर देखो, ये बीक्यू का सर्किट है। इस बीक्यू के सर्किट में अभी हमने कोई डायग्राम नहीं देखा, पर हम देखते हैं कि हम वो बूस्ट कैपेसिटर ढूंढ सकते हैं कि नहीं ढूंढ सकते। बिल्कुल, मैं सतनाम हरियाणा से। बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है। पहले आज सर ने शुरू से लेकर एंडलेस तक सब बताया। पहले पिन के प्रिंट उखड़ जाते तो हम सिर्फ चार्जिंग के ऑप्शन पे कनेक्ट करके दे देते थे, उसके बाद डाटा के साथ कोई लिंक नहीं था। आज मगर देख के ये भी, अगर जितने मर्जी प्रिंट उखड़े हो, डाटा भी साथ में कर सकते हैं, डाटा प्लस माइनस पोर्ट भी बना सकते हैं। हमारे साथ एक बहुत बेस्ट रहा, ऐसा ऐसा सर ट्रिक बताए हैं कि जो कांटे में जो फूल होता है वो उभर आए हैं। अच्छा अच्छा, कोई भी ट्रेसिंग करेंगे तो 2 मिनट के अंदर ट्रेसिंग करके बता देंगे कि सर ये चीज फॉल्ट है, ये चीज। ये आप अपनी तरफ से बता रहे हैं कि मैं? नहीं सर, कोई दबाव नहीं। सर मिस्टर, अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया होगा। क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सीपीयू निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका सीपीयू निकालने वाले हैं? हमारे साथ है 28 नवंबर की बैच। यस सर। वो गिरी हो भाई। यस सर। आज हमारा सेक्शन कौन सा था हमारा? चार्जिंग सेक्शन। कितने सेटों पे देखा हमने, कितने सर्किटों में देखा? बहुत सारा, बहुत सारा सर। जैसे कि 10 सर, 20 सर, क्वालकॉम की सर आईसीयू पे, और सर एमटी के, संगे एमटी के, सैमसंग के जी। यस सर। कोई सा सर्किट छोड़ा है क्या हमने? नहीं सर। अच्छा, कोई से भी सर्किट को हमको काम करने में भी दिक्कत आएगी क्या? नहीं सर। हमको चार्जिंग सर्किट, हमारा चार्जिंग का आईसी, हमारा चार्जिंग का सेक्शन कौन सा है, हमको ढूंढने में दिक्कत आएगी? नहीं सर। टेस्ट ट्रेसिंग करने में दिक्कत आएगी? नहीं सर। है ना, हमारा चार्जिंग बन रहा कि नहीं बन रहा दिक्कत आएगी? नहीं सर। तो मेथड कैसी बताइए आपको? बहुत बढ़िया सर। मैं आज की क्लास के बारे में बात करना चाहूंगा आपसे। इम्तियाज, कैसी रही क्लास भैया आज? सर क्लास बहुत अच्छा था। चार्जिंग फॉल्ट में बहुत सारा फॉल्ट आता है, और सर सारा फॉल्ट को बहुत मतलब इजी तरीके से, इजी मेथड से सारा मॉडल में भी बता दिए हैं। थोड़ा आप बताइए अर्शद। सर आज का जो यानी टॉपिक था चार्जिंग सेक्शन, सर यानी चार्जिंग कनेक्टर से लेकर सर एंडलेस तक सर ने बताया, यानी जो जो प्रॉब्लम आती है हर किसी को, तो सर ने यानी दिल में यानी पूछने के लिए रखा ही नहीं क्या सर, ये प्रॉब्लम आती है करके सर ने सब एक बता दिया सर। बीक्यू सर्किट का एक पिन उठा के बताया जी सर, हाँ बताया गया था सर, टोटल पिन की सप्लाई कहाँ जाती है, किस तरह से चेक करना है सर। अच्छा, 5 साल वाला टेक्नीशियन की बात करूँ, उसको ज़्यादा समझ में आया कि फ्रेशर को ज़्यादा समझ में आया? बताओ मेरे को। मतलब ईजी करके बताया ना आपको? जी सर, बहुत ईजी करके बताया सर। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है प्रेम। सर ये सर आपका आज का सेक्शन? बढ़िया सर। सर सारे दिन बढ़िया ही जा रहे हैं सर। सारे दिन बढ़िया जा रहे हैं सर। जैसे जैसे सर हमारी एक बुक होती है ना सर, जैसे जैसे चैप्टर हमारे आगे बढ़ते रहते हैं, वो बुक का सॉल्व होता रहता है सर। वैसी सर लाइट सर आज हमारा चार्जिंग का था। बढ़िया सर, बढ़िया जा रहा है सर। तो चार्जिंग हमारा वन टाइम में डन हुआ? यस सर। उसका प्रैक्टिकल भी हमने किया सर, उसके तीनों स्टेप, जैक सर बीच की जो लाइन होती है, डायवर्ट जो सर होता है वो लाइन, उसके बाद तीसरा स्टेप सर आईसी, इन तीनों ही सेक्टर में सर वो होता है फॉल्ट।
सर, या पहले जैक को सर इस हिसाब से काम होता है, पहले जैक फिर वो फिर आईसी सर, आईसी वाला काम कैसे बताया? हाँ सर, आईसी वाला काम लास्ट है, उसमें हमारा फाइन सर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मेरे साथ एक और स्टूडेंट है सरफराज। सरफराज थोड़ा बताइए कैसे रही भाई आज की क्लास? अच्छी क्लास, बहुत अच्छी रही। अभी जैक से लेके आईसी तक कंप्लीट सर, कोई इशू रहेगा क्या आपके हाथ? अगर कोई सा भी मैं बोर्ड दे दूं तो आप कोई चार्जिंग बनाने में कोई दिक्कत आएगी? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कंप्लीट है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, थोड़ा आगे आइए। बेसिकली कर्नाटक से ही, कर्नाटक से। तो कैसा रहा आज आपका? डन हुआ आपका? डन हुआ हो गया, क्लियर हुआ एक एक चीज? क्लियर हो गई, पूरा समझ में आ गया। आप स्कीमेटिक में भी समझे, प्रैक्टिकल में भी समझे, बोर्ड पे भी समझे, सर ने भी बताया आपको, सारा चीज बताया आपको, पूरा क्लियर है तुम्हारा? पूरा क्लियर हो गया। पूरा क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है गुरतेज, आगे आइए। यस सर। सर तो सबसे पहले मैं सर को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो खुद बीमार थे, उनको वोमिटिंग भी आ रही थी और हमें पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा रहे थे। क्या बात, उनके लिए तालियां। और उन्होंने चार्जिंग सेक्शन इतने अच्छे से पढ़ाया कि हम कोई भी चार्जिंग आईसी हो, चाहे वो उसमें ओवीपी आईसी लगा हो, हम उसको दो मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, उसमें वो काम कर रही है, स्विचिंग कर रही है कि नहीं कर रही है, ऐसा उन्होंने ट्रिक बताई है हमें। तो मतलब आपको चार्जिंग का एंडलेस सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला? आप कितनी जगह ट्रेस करके बता सकते हो कि आपका मोबाइल का चार्जिंग बन रही कि नहीं बन रही? सिर्फ एक ही जगह, ओनली एक ही जगह देख के हम बता सकते हैं कि हमारी चार्जिंग आईसी फंक्शन कर रही है, केवल एक जगह, बड़ी बात होती है सर। मेरे साथ एक और स्टूडेंट है, आगे आइए। कैसा रहा आपका चार्जिंग सेक्शन? बस बढ़िया सर, बस बढ़िया। चार्जिंग सेक्शन में सर सबसे पहले तो सर ने तीन ही जगह वोल्टेज चेक करे तो हमारा काम खत्म हो जाए, उस तरह का रास्ता बताए, और एक ही सिर्फ कैपेसिटर यूनिवर्सल तरीका बताया कि नहीं बताया आपको? मतलब वो भले आपके पास सैमसंग का बोर्ड हो, कोई भी हो, वो चाहे आपके पास एमआई का बोर्ड हो, चाहे ओप्पो का बोर्ड हो, चाहे वीवो का बोर्ड हो, है ना, एक्स वाई जेड एमटीके का बोर्ड हो, आपके पास किसी का भी सर्किट हो, उससे हमें मतलब ही नहीं। चार्जिंग सेक्शन में हमें तीन चीज क्या देखनी हो, हमें बोर्ड सामने रख दे तो नजर में आ जाए कि हमें यहाँ पर ही जाना है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, एक्सपीरियंस होल्डर वेस्ट बंगाल के। आपका एक्सपीरियंस ही है, अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है। हाँ सर, कैसा रहा आज आपका? सर बहुत अच्छा सर, बताइए क्या क्या नॉलेज एनहांस हुआ आपका? सर आज नॉलेज में नई चीज सीखने को, आपकी कितनी चीजें नई चीज सीखने को मिली? बहुत कुछ मिला है सर, बीक्यू में हम एक ही जगह, कहने का मतलब कोई भी बोर्ड आएगा एक ही जगह चेक करेंगे, 8 बॉल और 4 बॉल, समझ में आ गया हम लोग बूस्ट कॉल ठीक है कि नहीं, आईसी ठीक है कि नहीं, हम लोग को समझ में आ जाएगा, कहीं पर चेक करना नहीं है। और फेक चार्जिंग के लिए क्या बोलेंगे जो सर ने आपको ट्रिक बताया फेक चार्जिंग का? वो ट्रिक सर हम लोग तक रहने दीजिए, लोगों को नहीं बताएंगे। अच्छा, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है वेस्ट बंगाल के, आइए आगे। कैसा रहा आपका चार्जिंग सेक्शन? बहुत बढ़िया रहा सर, बहुत बढ़िया रहा। अभी आपके हाथ में कोई सा भी बोर्ड दे देंगे तो आप क्लियर कर लेंगे, उसको चार्जिंग लगा लेंगे जी, पहचान ठीक है। और एक्चुअल गाइस हमारे पास स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, हम सबसे 10-10 मिनट का रिव्यू नहीं ले सकते ऑलरेडी, अभी जो आप टाइम देखेंगे तो 8:30 हो रहा है, 8:30 हो रहा है, और टाइम का फाउंडेशन ये सवेरे से आए हुए हैं, और इनको भी सबका तबियत नर्वस है सर, थोड़ा सा मौसम का है, वो मौसम की प्रॉब्लम है, इनको भी सबको सर्दी जुकाम हो रहा है, है ना। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, थोड़ा आगे आइए। यस सर, कैसा रहा भाई आपका चार्जिंग सेक्शन? आपका बहुत अच्छी रही सर। आप गुजरात से हो, क्या बोलना चाहे हो गुजरात की जनता को? नहीं सर, जिसको भी नहीं आ रहा मतलब सीखने की फुल इच्छा हो, बेफिक्र आ जाओ, सीखने बहुत मिलेगा। तो हर सेक्शन में ऐसे ही होता है कि खाली स्पेशली आज का सेक्शन? नहीं 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 नहीं, सभी सेक्शन एंडलेस तक सिखाते हैं सर। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, थोड़ा आ जाइए। सर आपका चार्जिंग का क्लास अच्छा रहा सर? मैं सतनाम हरियाणा से, बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है। पहले आज सर ने शुरू से लेकर एंडलेस तक सब बताया, पहले पिन के प्रिंट उखड़ जाते तो हम सिर्फ चार्जिंग के ऑप्शन पे कनेक्ट करके दे देते थे, उसके बाद डाटा के साथ कोई लिंक नहीं था आज, मगर देख के ये भी अगर जितने मर्जी प्रिंट उखड़े हो डाटा भी साथ में डायरेक्ट आईसी से कनेक्ट कर सकते हो, कर सकते हैं डाटा प्लस माइनस पोर्ट भी बना सकते हैं सर। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, थोड़ा आ गया, चित्रंजन नाम है इनका। हाँ बताइए, आज का क्लास सर चार्जिंग का क्लास था, बहुत अच्छा रहा और एंडलेस सॉल्यूशन मिला सर, चार्जिंग के फॉल्ट सॉल्यूशन के बारे में एंडलेस सॉल्यूशन मिला। आप ये सब बोल रहे हो क्या, कोई मेरे दबाव में आके बोल रहे हो क्या? नहीं,
आपको दादा पहलवान तो नहीं हूँ मैं, नहीं है? नहीं आपसे धमका के गन रख के मैं नहीं, 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 सर, नहीं सर, आप खुद अपनी स्वेच्छा से दे रहे हो? यस सर। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, नाम है इनका विजय। जी सर। विजय, विजय मौर्य जी सर, फ्रॉम यूपी जी। कैसा रहा आपका चार्जिंग का क्लास? तो बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा जी। क्या खूबी लगी आज आपको? आज हमको क्या एक बात अच्छी बताओ कि सर ये बात मेरे को बिल्कुल दिमाग में फिट बैठ गई। एक यूएसबी पोर्ट बनाने का बहुत अच्छा यूएसबी सॉल्यूशन मिला। ठीक है, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, थोड़ा आगे आइए, बताइए कैसा रहा आज का क्लास? बहुत बढ़िया रहा सर। पहले तो हम लोग चार्जिंग जो है कनेक्टर ही चेंज करते थे, अगर ट्रैक उखड़ गया तो सर वो पीसीबी बोर्ड लेके हम लगा देते थे सर। अच्छा। अभी वो जैसे ट्रैक उखड़ गया तो उसको मतलब किस नज़र से देखना है वो सारा ज्ञान हम लोग ले लिए, लेकिन हम ये बताएंगे नहीं कि कैसे इसको करना है, वो हमारे पास ही रहेगा। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, आगे आइए, अब्दुल्ला गोवा सर। साथ है, बाकी क्लास सर एकदम उमदा गई है, ज़बरदस्त। मतलब ख़राब तबीयत में भी क्लास अच्छी गई है आपकी, हैं? पढ़ाने वाले टीचर भी की भी तबीयत नासाज थी और तुम्हारी भी थोड़े क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना। हाँ, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उससे दिक्कत आ रही है ना थोड़ा बहुत हेडफोन। बाकी क्लास ज़बरदस्त गई है, समझ में आया है सर ने जो बताया है, जिस तरह से बताया है। अभी कोई भी चार्जिंग सर्किट होगा तो? हाँ सर, चार्जिंग सर्किट में नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग चार्जिंग निकालते हैं पिंस, अगर दो बची तो लगा के दे दिया, पांचों निकल गई सामने है तो ठीक है। इम्पोर्टेंस मालूम हुआ कि हमारी बाकी पिनों का भी क्या इम्पोर्टेंस होता है? सारे पिंस का एक एक इम्पोर्टेंस है, और पांच पिन सोचते हैं, टाइप सी में इतनी पिन हम लोग सोचते हैं, तो वो चीज़ों को सबको आधा कर दिया सर कि ये तुम जो है इस चीज़ पे फोकस करो, इससे वो चीज़ कंटिन्यू हो जाती है, एवरीथिंग सप्लाई जो है ना पूरा क्लियर किया। चलिए ठीक है, हमारे साथ एक और स्टूडेंट है। सर आज का क्लास बहुत बेस्ट रहा, ऐसा ऐसा सर ट्रिक बताए हैं कि जो कांटे में जो फूल होता है वो उभर आए हैं। अच्छा अच्छा, कोई भी ट्रेसिंग करेंगे तो दो मिनट के अंदर ट्रेसिंग करके बता देंगे कि सर ये चीज़ फॉल्ट है, ये चीज़। ये आप अपनी तरफ से बता रहे हैं कि मैं? नहीं सर, कोई दबाव नहीं। कोई दबाव तो नहीं है ना? नहीं सर। है ना, खैर मतलब और बिहार वाले लोगों के ऊपर कोई दबाव बना भी नहीं सकता। नहीं सर, नहीं, सही बोल रहा, सही बोला मैं, है ना भाई, उनको मिलता है जब ही बोलते हैं वो, राइट। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, थोड़ा आगे आइए। विजय कैसा रहा क्लास आपका भाई? बढ़िया रहा। हाँ, आज आपने सारा लाइव ट्रेस करा यहाँ पे जो सर ने पढ़ाया, वो आपको बोर्ड पे मिला कि नहीं मिला? मिला सर। मिला ना? मिला सर। कहाँ बूस्ट वोल्टेज बनते हैं हमारे, कहाँ से इनपुट होता है, कहाँ से आउटपुट होता है, कहाँ ITUC प्रोटोकॉल है, I2C की लाइनें आती है हमारी, है ना, सारा सब कुछ देखा ना आपने, है ना, आपका आउटपुट पे वोल्टेज कब बनेगा, कब नहीं बनेगा, और नहीं बनेगा तो क्यों नहीं बनेगा, और बनेगा तो क्या कंडीशन आपकी पॉजिटिव होगी जब बनेगा, आपको सारी चीज़ मालूम हुई ना, है ना। डाटा की लाइनों का क्या इम्पोर्टेंट है, डाटा माइनस का क्या इम्पोर्टेंट है, डाटा प्लस का क्या इम्पोर्टेंट है, अगर PMI सर्किट है तो क्या कैसा बनेगा आपका, PML सर्किट है तो कैसा बनेगा, है ना, सारा सब कुछ देखा आपने। ओवरऑल कैसा रहा क्लास आपको, कैसा लगा? बेटर रहा। बेटर रहा। चलिए हमारे साथ एक और स्टूडेंट है। हाँ सर, हैदराबाद से। आज चार्जिंग सेक्शन? हाँ सर बोलिए। चार्जिंग सेक्शन था सर आज, मस्त पढ़ा है आज, मस्त पढ़ा है। और नहीं क्या कुछ डाउट्स हो रहे हैं, सभी तीन तीन बार रिवीजन करते रहे सर एक एक सेक्शन को, अच्छा लगा, बोल नहीं सकते बहुत कुछ है, काम में दिखाएंगे वो। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है, कमल नाम है इनका। कमल बताइए। बहुत अच्छा रहा सर, पहले ट्रैक उखड़ जाती थी तो मोबाइल वापस करना पड़ता था, अब तो उखड़ जाएगा तो CPU के पास से भी ट्रैक निकाल सकते हैं। IC लेवल पे दिक्कत आया तो? नहीं आएगा दिक्कत सर, अच्छा अच्छा ट्रिक सर बता चुके हैं। अगर IC लेवल पे दिक्कत आया तो आप बना पाएंगे कि नहीं? बना पाएंगे सर, बिल्कुल ट्रेस कर पाएंगे और उसको बना भी पाएंगे, कहाँ कौन सा क्या लगा। ठीक है, ओवरऑल क्या बोलना चाहेंगे सर? बहुत ही बेटर रहा सर, एक बार में हम लोग चेक कर सकते हैं कि मेरा IC काम कर रहा है कि नहीं, बूस्ट कॉइल काम कर रहा है कि नहीं, इससे पहले तो काम भी नहीं करते सर सर ये सब पे, लेकिन आप कर पाएंगे सर? अभी मन में क्या आ रहा है, मतलब आप तो एक भी छोड़ूंगा सर, जाके आप काम करेंगे सर, अभी लाओ मेरे को 5 सेट में बना के देता चार्जिंग जी सर जी। चलिए ठीक है, ओवरऑल थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। CPU वाला सिरा कहाँ जा रहा है और सीधा IC पे, और दूसरा सिरा कहाँ जा रहा है बताइए, वोल्टेज में। तो इसलिए यहाँ पे GR प्लस क्या मिलने वाला है बताइए, अब बताओ, अगर हेलो अगर ये रजिस्टर ओपन हो गया तो केवल क्या मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, वोल्टेज।
हाँ, पर अगर ये पैड ओपन हो गया तो आपको जीआर भी मिलेगा और क्या मिलेगा, क्योंकि जीआर आपको कहां से मिलेगा इस बार, समझ में आ रहा है ना? तो इसलिए अगर जीआर और वोल्टेज दोनों मिल रहा है और क्या एरर आ रहा है, यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज या क्या आ रहा है, या क्या आ रहा है, तब भी आपको किसको रिबॉल करना है, सीपीयू को, ध्यान रखना सीपीयू को रिबॉल, पैड लाइन चेक हमें किस कंडीशन में करना है, जब हमें डाटा प्लस और डाटा माइनस पे क्या मिले बताओ, क्या मिले बताओ, तब जीआर भी आ रहा हो वोल्टेज भी, तो देखो अगर मान लो ये दोनों लाइनें मैं तोड़ देता तो अब यहां का जीआर आ रहा है, यहां का जीआर होकर यहां आ रहा है, तो बेसिकली ये हमें कभी पता नहीं चलेगा जब तक हम आईसी को निकाल के कंट्री डी नहीं लेंगे अंदर से। तो ये आपका है सप्लाई डाटा माइनस की, ये ऐसा आएगा, ये आएगा, ये आने वाला चीज है, बनाइए इसको, ये जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ जीआर भेज रहा है और ये भेज रहा है वोल्टेज। चार्जिंग 200 सेकंड के लिए लेता है, उसके बाद में चार्जिंग छोड़ देता है, ये भी कंडीशन नहीं, कुछ भी कंडीशन होगी सब एक ही फिर चार्जिंग सब में ही डालेगा, शुरुआत तुमको वही करनी है सीसी से। तो फॉल्ट 1 है 2 कौन सा फॉल्ट 1 मतलब सारे फॉल्ट डीसी से आएंगे, एक भी लाइन अगर ओपन हुई या एक भी लाइन का अगर वोल्टेज नहीं आया तो सारे फॉल्ट डीसी से है, ध्यान रखना कोई सा भी फॉल्ट आया आपने ये लाइनें चेक करनी है। हम इस पे अभी फिलहाल एक फेज चार्जिंग आपको लाकर दिखाते हैं, ये आपको एक प्रैक्टिकल में, क्योंकि कोई बोर्ड है नहीं हमारे पास तो हम प्रैक्टिकल में एक लाकर दिखाते हैं। इसका भी लाइन चेक करते हैं, इस पर भी पता चलेगा डाटा प्लस डाटा माइनस पे क्या आना चाहिए, जीआर प्लस वोल्टेज। एक लाइव वीवो के सेट से हमने एक आईसी निकाली है, ये आईसी कौन कौन लगाएगा हाथ खड़े करके बताओ, सब लगा लेंगे यहाँ पर, ठीक है, कोई भी लगा अभी आईसी लगाओ, बहुत जाओ जाओ बिठा दो आईसी। एक तो आज हमारी किस सेक्शन की क्लास थी? आज सर चार्जिंग सेक्शन की, चार्जिंग सेक्शन था, तो कहाँ से क्या क्या वोल्टेज आना चाहिए, बीक्यू क्या होता है, सारा चीज़ पीएमआई जो भी सर्किट था ए टू जेड बताया गया कि नहीं गया? यस सर, सब कुछ बताया गया। कोई भी ऐसा सर्किट हो जो छोड़ दिया गया हो? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। चार्जिंग के एरर के बारे में बात करें, चार्जिंग पॉज के बारे में, फेक चार्जिंग के बारे में बात करें, सब कुछ बताया गया यहाँ पे? बताया गया और बना भी लेंगे सर। बना भी लेंगे सब कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल तरीके से बताया गया? बिल्कुल सर, स्टेप बाय स्टेप बताया गया। चलिए अभी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो? यस सर। वो चीज़ें मिल रही है जो आपने देखा है? यस सर, वही मिल रही है। ओके, चलिए आज किसी क्लास थी आज हमारी? चार्जिंग सेक्शन। कैसा रहा ओवरऑल चार्जिंग सेक्शन?
सारी चीज़ें जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं मार्केट में वो सब कुछ प्रॉब्लम आती थी चार्जिंग एरर के लिए, फेक चार्जिंग होगी चार्जिंग पे, और भी जैसे लोगों के आ जाना 100% चार्जिंग, ओके ओके, ऑटो चार्जिंग पे मोड पे चले जाना फोन, ओके। इसकी सर ट्रेसिंग बताई सर ने, कहाँ से कहाँ क्या प्रॉब्लम होगी, ये लाइव बताया आपने, सर ने लाइव बताया करके दिखाया सर, और ये भी बताया कि चार्जिंग आईसी के साथ और कितनी आईसी कनेक्ट होती हैं, ओके। तो ये सब कुछ आपको पर्टिकुलर पता चला यहाँ पे सर? पता चला। चलिए ठीक है, अभी आप प्रेस कर रहे हो तो वो चीज़ें मिल रही हैं? यस सर। ओके ओके ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? अगर हम BQ के सर्किट के बारे में बात करें तो BQ आप देख करके उसको बना लेंगे? यस सर। उसमें कहाँ पे इनपुट हो रहा है, कहाँ पे SDSL आ रहा है, कहाँ पे आउटपुट हो रहा है, रेफरेंस बूस्ट कैपेसिटर, ये सारी चीज़ें आप बना लोगे यहाँ पे? बूट कैपेसिटर का आज मतलब पता चला? यस सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। चलिए क्या कर रहे हैं अभी आप? ट्रेसिंग कर रहे हैं। किस सेक्शन की ट्रेसिंग कर रहे हैं? चार्जिंग की। चार्जिंग की। ओवरऑल कैसा रहा आज की क्लास हमारी? बढ़िया रहा सर। अगर हम बात करें कि अगर बूट कैपेसिटर के बारे में आज पता चला आपको? जी सर। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है बूट कैपेसिटर से, ये भी पता चला? जी सर। तो ओवरऑल कैसी रही आज हमारी चार्जिंग सेक्शन की क्लास? जी बेटर रहा सर। बहुत बेटर रहा। आप जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो वो चीज़ें मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? मिल रहा है सर। मिल रही हैं? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? चार्जिंग टेस्ट कर रहे हैं। तो जो भी चार्जिंग से रिलेटेड फॉल्ट आता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी चार्जिंग से रिलेटेड फॉल्ट आता है, अब उसे फाइंड आउट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? फेक चार्जिंग है तो चार्जिंग पास से, ओके, और चार्जिंग सिंबल आके रुक जाना, ओके, मुझे प्रॉब्लम है ना सर। तो ये सब प्रैक्टिकल तौर से बताया गया? हाँ सर। अगर आपके पास ये प्रॉब्लम आएगा तो आप उसे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? डायग्नोज कर पाएंगे? हाँ जी सर। कैसी रही देव सर की क्लास? अच्छा थी सर, बहुत बढ़िया थी। समझ में आई सारी चीज़? बहुत अच्छी समझ। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? ड्रेसिंग कर रहे हैं। ड्रेसिंग कर रहे हैं। तो जो आपने आज क्लास में पढ़ा तो वो सारी चीज़ें आज ड्रेसिंग में मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं? मिल रही है। कैसा रहा आपका चार्जिंग सेक्शन? अच्छा रहा। अगर उसमें बात करें चार्जिंग के एरर्स के बारे में और भी फॉल्ट के बारे में तो फाइंड आउट कर पाएंगे? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? कर लिए हैं लेकिन ये बनाए हैं अभी। कहाँ पे कितना OBP क्या है, OBP को बाईपास कर लेंगे? OBP IC को पहचान लेंगे? तो कैसा रहा चार्जिंग सेक्शन आज हमारा? बहुत बढ़िया रहा सर, समझ में भी आ गया। समझ में आ रहा है? ऐसा जो डाउट रहता है वो प्रैक्टिकल क्लास में समझाते हैं कि नहीं समझाते हैं? समझाते हैं सर, प्रैक्टिकल में कराते हैं और उसमें और भी ज़्यादा समझ में आ जाता है। और जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं? वो क्लियर हो जाता है सर। अभी आपका चार्जिंग प्रॉब्लम आएगा अभी आप कर पाएंगे? कर लेंगे सर। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। आप क्या कर रहे हैं अभी? सर ट्रेसिंग कर रहे हैं। चार्जिंग आईसी बताइए कहाँ लगा हुआ है? तो सर ये चार्जिंग आईसी का सिंबल बता बनाए कॉपी लगेगा देख रहे हो? उसको दिखाइए, इसमें आई बोर्ड में दिखाइए आप कहाँ पे चार्जिंग सर चार्जिंग सेक्शन दिखाइए। ये दूसरे का बनाए चार्जिंग ये। आप इसी में बताइए। ये सर MI का है। हाँ 5A का सेट है। चार्जिंग ऐसी कौन सी लगी है? BQ लगा है, PMI लगा है, PM है क्या? PMI लगा हुआ है सर। PMI देखिए अच्छे से, BQ भी लगा होगा। BQ है सर वो। ये BQ है सर। BQ है। अच्छे से डायग्नोज करिए और बताइए। BQ लगा हुआ है। BQ के ऊपर क्या लगा हुआ है, कौन सी ऐसी बताइए? OBP पहचान पा रहे हैं अभी आप? जी सर बिल्कुल। तो अगर OBP को बाईपास कर सकते हैं अभी आप? एकदम कर सकते हैं सर। कैसी रही चार्जिंग सेक्शन क्लास आज हमारी? सर बहुत अच्छी। सब कुछ समझ में आया सारी चीज़ें? सब कुछ समझ में। जो एरर्स होते हैं चार्जिंग में, चार्जिंग पॉज, फेक चार्जिंग, ये सारा कुछ डायग्नोज कर पाएंगे? जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? प्रेसिंग कर रहे हैं। तो आज हमारी किस सेक्शन की क्लास थी? चार्जिंग करेंगे। चार्जिंग पे था। तो चार्जिंग में जो भी फॉल्ट आते हैं, सारे A to Z फॉल्ट, चार्जिंग फेक चार्जिंग हो, चार्जिंग नॉट स्टोर हो, अगर यहाँ पे बात करें सारी सर्किट हो, जिसे बंद होने के बाद ऑन होने में चार्जिंग, मतलब सारा चीज़ बताया गया। तो सब प्रैक्टिकल बताया गया? बताया। तो ओवरऑल कैसा अभी आपका एक्सपीरियंस रहा चार्जिंग सेक्शन में? सर ने बताया सारा चीज़ टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट किए, ऐसे निकाले, फिर से लगाए। देव सर का पढ़ाने का कैसा तरीका रहा अभी? बढ़िया। समझ में आ रहा सारी चीज़ें? ठीक है, चलिए कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप?
चार्जिंग सेक्शन करता था ओके तो चार्जिंग सेक्शन में जो भी फॉल्ट आते हैं चाहे वो फेक चार्जिंग चाहे वो स्टोर नहीं कर रहा हो चाहे कुछ भी तो उसमें सॉर्ट आउट कर सकते हैं उसकी जैक से लेके सर सेकंड स्टेप सर उसका डायोड वगैरह कर तीसरा स्टेप चार्जिंग ऐसी ओके तीनों का शॉर्ट आउट सॉल्यूशन मिला और उन तीनों से जो सॉल्यूशन आता है सर मैंने जो उनसे जो भी स्टेप बाय स्टेप सेक्शन है तो वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सब कुछ आ रहा है प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है सर ये तीनों फोनों में कराया मैंने सभी नोट सर उसका तीनों का सर ये नोट 5 है मेरा ये 5 है तो क्या क्या सर्किट लगा बता दीजिए कौन कौन सी चार्जिंग आईसी है कहाँ पे क्या है थोड़ा सा सर इसमें तो 5 एमएम सर वीक्यू आईसी है ओके और आपको ओबीपी भी लगी है फ्यूल गेज भी लगा हुआ है ये सब आपने चेक किया कि नहीं किया सर इसमें पीएमआई भी है सर इनका पीएमआई ये भी चेक किया आपने ये नोट 5 का है इसका भी सर करा इसकी ओबीपी है इसकी ओबीपी इसमें इंक्लूड है अच्छा इंक्लूड है ये सारी चीज़ चेक करी आपने कैसा लग रहा है ओवरऑल बेस्ट समझ में आ रहा है चलिए ठीक है कंटिन्यू करिए बताइए क्या कर रहे हैं अभी आप चार्जिंग सर्किट ये 24 लेवल वाला जो बी क्यू आई सी है okay. कंप्लीट कर दिए अभी पी एम आई सी का जो है वो डायग्राम बना रहे तो ऑलमोस्ट बन चुका है तो ये बी क्यू जो आपने बनाया है अगर हम इसके सारे पिनों की बात करें तो सब पिन की आप बता पाएंगे क्या पिन कौन सी काम करती है बिल्कुल जरा बंद करके बता सकते अच्छा ऐसा बता सकते हैं ओवरऑल कैसा रहा आपका चार्जिंग सेक्शन बहुत बढ़िया रहा सर बहुत बढ़िया मीन्स जो भी प्रॉब्लम आते थे मार्केट में अब वो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जो छूटा हो अब कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा सर कुछ भी नहीं छूटेगा मतलब जितना भी एरर आता था या जो भी चार्जिंग इशू रहता था वो सारा कुछ अब बन जाएगा सब बन जाएगा यहाँ पे कोई डाउट नहीं है अभी कोई डाउट नहीं सर तो जो मान लीजिए सपोज डाउट भी होता है तो प्रैक्टिकल क्लास में क्लियर होता है पूरा क्लियर हो जाता है एक दो डाउट था भी वो भी आकर के यहाँ पे हम डिसर्ट ने पूरा क्लियर कर दिया अभी आपको तो कैसा ओवरऑल कैसा मिल जो सर ने पढ़ाया था सर ने वो प्रैक्टिकल में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा बिल्कुल सब कुछ मिल रहा है वो तो आधा से ज्यादा 90% वहीं पे क्लियर कर दिए थे अलग अलग सेट में दिखा के और जो थोड़ा बहुत बचा था वो एमडी सर यहाँ पे क्लियर ओके 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 चलिए ठीक है कंटिन्यू करें क्या कर रहे हैं अभी आप चार्जिंग डिस्प्ले ट्रेसिंग चार्जिंग ट्रेसिंग कर रहे हैं समझ में आ रहा है समझ में ठीक है कंटिन्यू करिए क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं ट्रेसिंग करके बना रहे हैं किस फोन का बना रहे हैं ये नोट 3 का और बाद में हमने नोट 4 का भी ट्रेस कर रहे थे नोट 3 का बना रहे हैं अभी ये नोट 3 का बनाया तो कैसा आपका चार्जिंग सेक्शन अभी लगा कुछ पता नहीं सकते और चार्जिंग 2 मिनट में नोट सकते हैं कि वो सही है चल काम करिए ओके तो जो भी फॉल्ट आते हैं चार्जिंग सेक्शन अगर पीएमआई पीएमएल या बीक्यू या छेले कोई भी सर्किट हो उससे हम फाइंड आउट कर पाएंगे प्रॉब्लम को समझ पाएंगे और वीपी क्या है और फ्यूल की जैसी क्या है ये सारा कुछ प्रैक्टिकल मिला है चलिए ठीक है कंटिन्यू करिए क्या कर रहे हैं अभी आप सर ये बाईपास कर रहा है इसका किसका क्या ओ बी पी आई सी को बाईपास कर रहे हैं यस सर तो ये ओ बी पी आई सी पहचान पा रहे हैं अभी आप यस सर कोई भी जो हार्डवेयर में चार्जिंग में जो रेगुलर डाउट्स आते हैं वो क्लियर हुए कि नहीं हुए क्लियर हुए और सर ने पूरा क्लियर कर दिया है और हम लोगों ने पढ़ लिया है और देख लिया है प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल में वो सारी चीज़ें जो जिस सर ने पढ़ाया वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो आपको कैसा रहा ओवरऑल चार्जिंग सेक्शन आज तो कैसा रहा बाहर के हम डेली देख रहे हैं आपके डेली आपको जान रहे हैं कि डेली का डेली हम आपसे पूछ रहे हैं कि ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा चलिए ठीक है कंटिन्यू करिए तो क्या कर रहे हैं अभी आप चार्जिंग सेक्शन का सर डायग्राम बना रहे हैं डायग्राम बना रहे हैं तो जो आज सर ने देव सर ने पढ़ाया है आपको कैसा रहा ओवरऑल चार्जिंग क्लास है जी जहाँ पे हमको यूट्यूब वगैरह देखना पड़ता ओके ओके तो सर यानी यूट्यूब से कई आगे उन्होंने यानी एंडलेस तक उन्होंने बताया सर अगर हम फेक चार्जिंग की बात करें चार्जिंग नॉट स्टोर की बात करें तो वो सारी चीज़ें आपको पता चला सब कुछ बता दिया बूट कैपेसिटर अगर आपने अभी तक बूट कैपेसिटर के बारे में जानते थे क्या कि अगर बूट कैपेसिटर क्या काम करता है कहाँ पे लगा होता है फर्स्ट टाइम सुना है सर और फर्स्ट टाइम उसका यानी उससे क्या प्रॉब्लम है उसका प्रैक्टिकल देखा आपने जी सर प्रैक्टिकल देखा चलिए ठीक है कंटिन्यू करिए चलिए क्या कर रहे हैं अभी आप फाइंड कर रहे हैं सर बूट कैपेसिटर वगैरह और अपनी ओ वी पी आई सी
तो देव सर का क्लास कैसा रहा चार्जिंग सेक्शन, मतलब पहले से जो आप यूट्यूब में काम करते थे उससे कुछ अलग मिला कि वही मिला? यूट्यूब से तो बिल्कुल भी अलग है जी। जी 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 सर ने वो बताया जो यूट्यूब में है ही नहीं। ओके, तो ये प्रैक्टिकल में मिल रहा है आपको? प्रैक्टिकल में मिल रहा है सर। मैं आपको कह नहीं सकता सर कि देव सर ने आज चार्जिंग कैसी पढ़ाई। जी जी सर, आज तक मतलब जितने सालों से हम काम कर रहे हैं सर, पहली बार ऐसा देखा है मिला कि हाँ ये चार्जिंग ये चीज़ें भी होती हैं। ओके जी सर, चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा अभी? बहुत ज़बरदस्त रहा सर, वो सारी चीज़ें जो है यूट्यूब पे मिलने वाली है। जी जी जी। अगर अपने की पिंस नहीं है और सामने अपने को लाइन भी नहीं दिख रही है जी जी, तो भी अपन पांच पिन के कनेक्टर्स टाइप सी के कनेक्टर्स कैसे लगाएंगे जी, टाइप सी में कंफ्यूजन रहता है जी जी जी, जो भी है सर आपको बता। आप जो आपने सोचा था आप संतुष्ट हैं फिलहाल अगर आपकी बात करें तो? हाँ सर। और आपके अलावा सारे स्टूडेंट भी संतुष्ट हैं कि सब चेक कर रहे हैं सबको जो बताया? प्रैक्टिकल चल रहा है, प्रैक्टिकल मिल रहा है जो हम लोग थ्योरी में देख के आए सर ने जी, जी, जी। बहुत प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं जी जी, ये जो नॉर्मल से इश्यूज हैं वो होता है ऑन लोग के जो भी है जी जी, चार्जिंग के सर ने वो करके दिखाया। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। चलिए क्या कर रहे हैं अभी आप? प्रेसिंग कर रहे हैं। प्रेसिंग कर रहे हैं आप? बीक्यू का सर्किट बना रहे हैं। तो बीक्यू में कहाँ पे हमें क्या क्या वोल्टेज चेक करना है, 1.8 कितना है, 5 वोल्टेज कितना चेक करना है, वो सारा चीज़ फाइंड आउट कर पाएंगे? बीक्यू अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो हमें कब बीक्यू चेंज करना है, कब ओबीपी पे क्या काम करना है, कब हमारे फ्यूल गेज पे काम करना है, ये सारा चीज़ डायग्नोस कर पाएंगे? कैसा रहा ओवरऑल चार्जिंग सेक्शन? समझ में आया सारी चीज़ें? चलिए ठीक है, अभी आप समझ के ही बना रहे हैं कहीं देख करके बना रहे हैं? समझ के बना रहे हैं। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर मैं अभी क्रेशिंग कर दिया जी जी, फिर चार्जिंग आईसी निकाल के फिर चार्जिंग आईसी निकाल के दोबारा लगा रहे हैं। आप तो लाइव सारे बोर्ड में, आपका खुद का फ़ोन है, आप उसमें लाइव निकाल करके लगा रहे हैं, डर नहीं लग रहा निकालेंगे डेड हो जाएगा? सर यहाँ आने के बाद में डर हट गया सर। डर हट गया अभी? तो ओवरऑल चार्जिंग से फॉल्ट जो भी आएगा अभी आप फाइंड आउट कर पाएंगे? हाँ सर, फाइंड कर पाएंगे। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए आप। क्या कर रहे हैं अभी? चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी पहचान पा रहे हैं? हाँ सर। समझ में आ रहा है सारी चीज़ें? चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? ये आपने बीक्यू का सर्किट बनाया हुआ है, तो बीक्यू के सर्किट में कहाँ पे हमें कितना वोल्टेज आना चाहिए बता लेंगे अभी आप? अभी आपका नंबर आएगा। और उसके बाद अगर हम ओबीपी आईसी की बात करें तो ओबीपी आईसी बेसिकली उसको हम बाईपास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते, कर सकते हैं उसको। तो ओवरऑल कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? तो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। आज का की बस आज ही का कि और भी दिन का? सबसे बेस्ट रहा आज का, सबसे बेस्ट रहा। मतलब जो हम जहाँ फंसते थे, कहाँ फंसते थे आप बताइए? बीक्यू फंसते थे आप? तो बीक्यू अभी क्लियर हो गया? अभी आप क्लियर हो गया, कहाँ पे कितना जीआर आना चाहिए, कहाँ पे कब वोल्टेज आना चाहिए? चलिए कर रहे हैं, ट्रेसिंग करके बना रहे हैं। आप भी बीक्यू का ही कर रहे हैं? जी जी। तो ये कहीं से देख के आपने उतारा है? नहीं सर, ट्रेसिंग करके, एक एक ट्रेसिंग करके पहले जीआर सब का चेक कर रहे हैं, उसके बाद वोल्टेज क्या होगा तो परफेक्ट दिमाग में बैठ। ओके, तो ये ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस रहा आज का? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा रहा। अब चार्जिंग में जैसे फेक चार्जिंग की बात करें, चार्जिंग नॉट स्टोर की बात करें, अगर चार्जिंग पॉज की बात करें, टेम्परेचर हाई की बात करें, लो की बात करें, सब बना लेंगे, सब ये कर लेंगे? सब ये लाइव सर ने दिखाया कि नहीं दिखाया? लाइव। कैसा रहा देव सर का पढ़ाने का तरीका? सबसे बेस्ट। चलिए ठीक है, कंटिन्यू करिए। क्या कर रहे हैं अभी आप? क्रशिंग कर रहा हूं सर। ये बीक्यू पे आप भी काम कर रहे हैं? यस सर। समझ में आ रहा है सारी चीजें कि बाजू वाले का देख के उतार रहे हैं? ना ना, अपना खुद से ट्रेसिंग करके बना रहे हैं? यस सर। चलिए ठीक है, तो ये जैसा कि आपने देखा आज हमारा चार्जिंग सेक्शन की क्लास थी और सारे स्टूडेंट ओवर यहाँ पे कर रहे हैं प्रैक्टिकल। जो भी सेक्शन है, चाहे वो बीक्यू लगा है, पीएमआई लगा हुआ है, चाहे वो 6 लेग का सर्किट है, सारे स्टूडेंट यहाँ पे कर रहे हैं प्रैक्टिकल। तो ऐसे ही डेली के डेली लाइव बने रहे, हम ऐसे डेली आते हैं और अपने आउटपुट, अपने काम को आउटपुट को दिखाते हैं। थैंक यू सो मच।
दे तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर सीपीयू को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिवॉल्व भी किए, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आई आपको? बिल्कुल सर। सीपीयू भी किया, लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल टेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने, लास्ट डे क्या किया? डबल टेकर सीपीयू करके गए। जाता हूं आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल टेकर सीपीयू। और इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? कैसे रिबोल करके लगाना है, क्लीनिंग प्रोसेस, ये सारी चीज की, ये आपने किया, सारे स्टूडेंट ने की? सब स्टूडेंट ने। आज आपने क्या किया आज के दिन बताओ सर? डबल टेकर किया मैंने, ओपनिंग, क्लीनिंग और रिबॉलिंग। बहुत अच्छे किया आपने, पहले आप पूरी क्लास में पहले थे जिसने सबसे पहले डन किया। बिल्कुल। आज आपने क्या किया आज के दिन में बताया? हमने डबल टेकर किया। डबल टेकर किया आपने? आप मेरे साथ जिन्हें आज क्या करवाया? डबल टेकर जो होता है उसको निकाल के रिवॉल्व करके पूरी क्लीनिंग प्रोसेस करवाई। मेरे साथ ने क्या किया आज के दिन सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने क्या क्या किया उसमें बताया सर? डुअल टेकर निकाल के फिर लगाए, मतलब उसका रैम क्लीन करके और उसका सीपीयू, और किस सिस्टम से किया आपने? यूनिवर्सल प्रैक्टिकल करने मिलता है कि नहीं मिलता है? सर बिल्कुल मिलता है। आज आपने क्या किया करो? डुअल टेकर सीपीयू किया यहाँ पर, या आपने खुद किया खुद से? यस सर खुद किया। आपने क्या किया आज के दिन का बताओ? आज डबल टेकर सीपीयू कर रहे हैं आप, उसको भी किससे किया आपने? यूनिवर्सल स्टेंसिल से। यस सर यूनिवर्सल। ऐसा कुछ आपने आज आखिरी दिन क्या किया? आज आखिरी दिन था सर, हम सब ने ना ड्यूल डेकर सीपीयू सर, रैम और सीपीयू उतार के दोबारा लगाया है सर सभी बच्चों ने, और सीपीयू उतार दिया था। आज आपने क्या किया? अच्छा ड्यूल सीपीयू। किस कौन सी तारीख को आए थे सर? हम 25 पर। क्या किया आज के दिन बताइए सर? हमने ड्यूल डेकर किया। आपने मेरे साथ में सबसे नंबर वन इंस्टीट्यूट Thank you, Destiny.